हेलो फ्रेंड्स, ये आपका नंबर सिस्टम का ऑलमोस्ट आखिरी वीडियो है। इसमें अभी इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे नंबर सिस्टम के, जो आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि पांच नंबर के सबसे बड़े संख्या में से क्या घटाया जाए कि इस नंबर से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, या फिर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट की वो नंबर इससे डिवाइड हो जाए, इसके नियरेस्ट नंबर क्या होगा जो इससे कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। तो इस तरह के हम क्वेश्चन देखेंगे इसमें, और डिविजिबिलिटी रूल के एक दो क्वेश्चन देखेंगे, और कंपोजिट और प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन देता है और कैसे उनको सोल्व करना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है हमें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4000, so that the remaining number get completely divisible by 90. This is 90. बोलता है कि 4000 में से क्या घटाया जाए कि वो संख्या जो बची हुई संख्या है वो 19 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4000 सो दैट द रिमेनिंग नंबर गेट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 90। 4000 में से छोटी सी छोटी संख्या क्या घटाएं कि 19 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 19 को 4000 से डिवाइड करिए। सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उसको डिवाइड ही कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, 38 पे जाएगा, इसका रिमाइंडर 2 आएगा, ये 1 पे जाएगा, आपका बचा 1 रिमाइंडर 10, अब भाग नहीं जाएगा। तो ये जो रिमाइंडर होता है ये ही सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की तो जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होता है। याद रखिए, जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। तो क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है उसकी संख्या से डिवाइड कीजिए, और जो रिमाइंडर आया है अगर वो संख्या हम इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास एक नया डिविडेंड आएगा जो कि इस 19 से कंप्लीटली डिवाइडेड होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि रिमाइंडर एक ऐसी संख्या होती है जो कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद बच जाती है, शेष फल होता है। तो अगर हम इस शेष फल को इस डिविडेंड में से घटा देंगे तो जो नया डिविडेंड होगा वो हमारे इस डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। हम चेक कर सकते हैं, 4000 में से 10 घटाएंगे, अपना आएगा 0993। ये आया, अब इसको देखिए 19 से डिवाइड करके देखते हैं, 38 एक रिमाइंडर, ये पूरा गया, ये अपना पूरा गया। तो देख लीजिए पूरा गया, ये वेरीफाई भी हो गया। तो अगर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले संख्या लेंगे, उसको जो डिवाइजर दिया है उसे डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो घटा देंगे, जो नया डिविडेंड आएगा वो अपना आंसर है। या फिर बोलते हैं क्या संख्या घटाई जाए, तो 10 आंसर है। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी 10। इसी में पूछ सकते हैं फाइंड द न्यू नंबर, डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो घटा देंगे, जो नया डिविडेंड आएगा वो अपना आंसर है। या फिर बोलते हैं क्या संख्या घटाई जाए, तो 10 आंसर है। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी 10। इसी में पूछ सकते हैं फाइंड द न्यू नंबर इसी क्वेश्चन में। तो अपना न्यू नंबर होता है 4000 में से 10 घटा देते 3990, 3990। आ देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम टाइप का। इसे बोला कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3100, यानी 3100। बोल रहा है कि 3100 में से क्या घटाया जाए, सो दैट द रिमेनिंग नंबर गेट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 17। अब इसको भाग करेंगे 8 पे जाएगा, 8 को 7 से क्या 56, 6 5 कैरी, ये 13, ये अपना 4 आ गया, ये 17 से 2 पेगा 34, ये 6। तो ये मैंने बताया था सब्ट्रैक्ट होता है, रिमाइंडर 6 आया था, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो नया डिविडेंड आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। 3100 में से 6 घटाएंगे तो ये 3094 आएगा, ये अपना आंसर है। इसको 17 से डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जैसे पिछली बार वेरीफाई किया था, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो क्या करना है, जो क्वेश्चन में जो डिविडेंड दिया है उसको अपने डिवाइजर से भाग कर रहा है, और जो रिमाइंडर आता है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो नया नंबर आएगा वो इस डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर वो पूछता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या घटाया जाए, तो 6 आंसर है, और बोलते हैं नई संख्या क्या है, तो ये आंसर। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो जो सब्ट्रैक्ट, अब इसी क्वेश्चन में देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूँ। इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर बात करता है कि क्या घटाया जाए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो हमेशा रिमाइंडर हमेशा, और बोलता है व्हाट शुड बी एडेड, तो इसको इसमें से घटाएंगे, इस डिवाइजर में से रिमाइंडर कितना है 11, ये हमेशा एडेड होता है।
हमेशा अगर बोलता है ऐड करना है तो सबसे पहले आपको रिमाइंडर निकालना होगा, और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट आएगा, जो इन दोनों का माइनस आएगा वो आपको ऐड करना होता है। अगर बोलता है क्या सब्ट्रैक्ट करना है तो सीधा रिमाइंडर आंसर है। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछता है कि नियरेस्ट नंबर, ना सब्ट्रैक्ट ना ऐड, नियरेस्ट नंबर, तो जो छोटा होता है वो करना पड़ता है। अब इसमें देखिए 11 ऐड करने पड़ेंगे या 6 सब्ट्रैक्ट, तो आसान होता है या नियरेस्ट पड़ेगा अपना जो 6 है, तो ये सब 6 भी वाला 3094 आंसर होता है अपना। अगर बोलता क्या ऐड किया जाए तो 3100 में 11 ऐड करना है, तो अपना 3111 आंसर। अगर मान लीजिए यहां अपना 6 आता मान लीजिए और यहां अपना 11 आता, फिर बोलता कि नियरेस्ट नंबर तो 6 ये ऐड करना, यानी 3100 अपना 6 आंसर हो जाता। तो इस तरह से करने हैं इन क्वेश्चंस को, सब्ट्रैक्ट ऐड और नियरेस्ट, तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सब्ट्रैक्ट करना होगा तो रिमाइंडर, ऐड करना होगा तो डिवाइजर, और रिमाइंडर का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो, और नियरेस्ट पूछता तो चेक करेंगे कौन सा छोटा नंबर है वो ही करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नियरेस्ट नंबर टू 4508, 4508 विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 21, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 21। देखिए अब बोल रहा है कि 4508 के सबसे नजदीक नंबर बताइए जो कि 21 से कंप्लीटली डिविजिबल। तो बात वही है, या सब्ट्रैक्शन लिख देता तो भी सेम प्रोसीजर था, या लिख देता ऐड क्या कहते तो भी सेम प्रोसीजर था, या लिख देता नियरेस्ट तो भी सेम प्रोसीजर। 21 को इसे डिवाइड करेंगे 4508 से, 2 पे जाएगा ये अपना 30 यहाँ आ गया, ये 1 पे गया 9, 4 पे तो ये रिमाइंडर आ गया 14। तो बात करता है नियरेस्ट के, सो सब्ट्रैक्ट कितना करना है 14, और ऐड कितना करना है जो इनका माइनस, इनका जो मतलब इन दोनों का अंतर कितना है 7, ये हमें ऐड करना है। तो अगर सब्ट्रैक्शन पूछता तो 14 आंसर हो जाता, अगर पूछता ऐड कितना किया जाए तो 7, बोल रहे नियरेस्ट नंबर क्या है तो नियरेस्ट तो 7 ऐड करने के बाद ही आ रहा है, तो 4508 में 7 छोड़ कर देंगे 4515 आंसर। ये अपना 4508 के नियरेस्ट नंबर है जो कि किसी कंप्लीटली डिविजिबल हुआ। अगर वो बोलता क्या घटाया जाए तो 14, क्या जोड़ा जाए 7, फाइंड द नंबर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग तो इसमें से घटा देते जो आंसर होता है, फाइंड द नंबर आफ्टर एडिशन इसमें ये ऐड कर देते हैं, फाइंड द नियरेस्ट नंबर चेक करेंगे दोनों में से कौन सी छोटी संख्या है, और ऐसे फाइंड। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल सी तो काफी इंपॉर्टेंट, और काफी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इस टाइप पे आपको, काफी बुक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसमें बोलते फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, फाइव डिजिट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 91। बोलता है कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 51 में से पूर्णतः विभाजित होती हो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर 5 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 91। सेम क्वेश्चन, अब आपको पता होना चाहिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 5 9 5 9 5 टाइम्स 9 लिख देंगे, लार्जेस्ट नंबर हो गया 5 अंकों। सेम अब हमारा सेम क्वेश्चन है, यहां अगर मैं ये दे देता और चाहे ये संख्या लिख दो एक ही बात है, पिछली संख्या होती वैसे सेम प्रोसीजर, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे उसको 91 से डिवाइड करेंगे लार्जेस्ट नंबर, तो देखिए 91 से किया 91, 8 पे गया 9, ये भाग जाएगा नहीं, एक 0 आएगा यहाँ, या फिर से आपका 9 आया, ये 9 पे जाएगा, ये 81, ये 0, ये 8, ये 0, ये 9, अभी आपका 98 पे जाएगा, ये 8, ये 72, तो ये 1 और ये 8। देखिए अब ये तो आपका सब्ट्रैक्शन का है, ये 10 है, इन दोनों का जो अंतर, ये जो 81 है ये तो आपका सब्ट्रैक्शन का है, और इन दोनों का जो अंतर है 10 ये आपका एडिशन का है। अगर पूछता सब्ट्रैक्ट क्या किया जाए 81 आंसर होता है, और पूछता वो संख्या क्या है तो आप 81 सब्ट्रैक्ट करके आंसर बता देते, पूछता क्या जोड़ा जाए तो 10, और बोलता वो संख्या क्या है तो 10 जोड़ के आंसर बता देते। इतने से पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर क्या है 5 डिजिट का, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है अगर आप उसमें एक भी ऐड कर देंगे तो ये 6 अंकों की बन जाएगी, अगर आप उसमें एक भी ऐड कर देंगे तो ये 6 अंकों की बन जाएगी, तो अपना आंसर तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसने पूछा है 5 अंकों की। तो सीधी बात है अगर लार्जेस्ट की बात करता है तो उसमें ऐड नहीं कर सकते, उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो सब्ट्रैक्ट कितना करना है 81, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपना आंसर हो गया, ये 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 91 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। दोबारा देखिए ये हम ऐड ऐड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड कर देंगे तो 6 डिजिट की बन जाएगी, और हमारा आंसर पूछा उसने 5 डिजिट का,
तो हम ऐसे नहीं कर सकते। सेम केस अगर मान लीजिए, ये अगला क्वेश्चन देखेंगे जो उसमें स्मॉलेस्ट पूछेगा कि 6 नंबर की स्मॉलेस्ट संख्या, उसमें हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 6 नंबर की कोई स्मॉलेस्ट संख्या है अगर उनमें से एक भी घटा देंगे तो 5 अंकों की बन जाएगी, 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, आंसर अपना फिर गलत हो जाएगा। तो अगर लार्जेस्ट की बात करता है तो हमेशा उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब स्मॉलेस्ट की बात करता है उसमें ऐड करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए दोबारा एक बार कि हमें 10 ऐड करना था, 81 सब्ट्रैक्ट करना था, तो हमने 81 सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया, 10 ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने ऐसा तो कुछ दिया नहीं है कि भाई नियरेस्ट बताओ या कुछ, उसने पूछा लार्जेस्ट। अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो अगर उसमें एक भी ऐड कर देंगे तो वो 6 नंबर का डिजिट बन जाएगा, हालांकि अपना आंसर आना चाहिए 5 डिजिट नंबर, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम ऐड नहीं करें, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1 1 1, 111 से कोई 6 नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर बता रहे हैं जो इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो सेम पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया था कि सबसे पहले आपको बताना था कि 6 नंबर का स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होता है, 1 और उसके पीछे 5 0 3 4, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सेम क्वेश्चन होगा जैसे पिछली बार किया था, तो इसको तो हमने डिविडेंड बनाया और अपना 111 को हमने डिवाइजर बनाया, तो 9 से जाएगा आगे 9 9 9, 1 रिमाइंडर 0, आगे जाएगा ही नहीं, आगे जाएगा ही नहीं। तो हमें ये तो अपना सब्ट्रैक्शन का हो गया, और इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 11, ये अपना एडिशन का हो गया। यानी सब्ट्रैक्ट करने का पूछता है तो 100, एडिशन का पूछता है 11। अभी से पूछा गया, उसे पूछा कि 6 अंकों का सबसे छोटी संख्या। अब मैंने पिछले में बताया था जैसे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मगर एक भी ऐड करते तो 6 अंकों की छोटी संख्या। अब मैंने पिछले में बताया था जैसे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मगर एक भी ऐड करते तो 6 अंकों की बन जाती है। इसमें भी सेम केस, अगर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या में से हम एक भी घटा देते हैं तो 5 अंकों की बन जाती है। तो इसमें सब्ट्रैक्शन वाला कैंसिल, सब्ट्रैक्ट हम कर ही नहीं सकते क्योंकि आंसर 5 डिजिट में आएगा। 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 5 डिजिट में चाहिए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या 6 डिजिट नंबर, तो सीधी बात है उसमें 11 ऐड करें, 11 ऐड करते ही अपना आंसर आ गया 1 1 0 0 0, ये अपना आंसर। ये नंबर है 6 अंकों का सबसे छोटा से छोटा जो 111 से कंप्लीट डिविजिबल होता है। तो इसमें थोड़ा आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर लार्जेस्ट नंबर होता है तो उसमें हम एक भी ऐड करते हैं तो अगले डिजिट में चला जाता है, अगर 5 डिजिट का लार्जेस्ट है एक ऐड करेंगे तो 6 डिजिट का बढ़ जाएगा, और उल्टा केस स्मॉलेस्ट में अगर 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 डिजिट का बढ़ जाएगा। तो अगर लार्जेस्ट नंबर है तो सब्ट्रैक्ट करना है और स्मॉलेस्ट नंबर है तो ऐड करना है। आपका मतलब एक बार 2-3 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, अच्छे से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, नियरेस्ट नंबर में। तो अगर स्मॉलेस्ट सब्ट्रैक्शन का पूछते हैं कि क्या घटाया जाए, तो हमेशा रिमाइंडर मैंने बताया था आपको ऐसे करना है, और यहाँ आपका रिमाइंडर आएगा और यहाँ आपका डिवाइजर होता है, यहाँ आपका डिविडेंड होता है। तो अगर सब्ट्रैक्शन का पूछता है तो हमेशा रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट होगा, अगर पूछता है ऐड किया जाए तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ऐड होता है। नियरेस्ट की बात करते हैं तो देख लीजिए कौन सा छोटा आ रहा है आपका, वो आपका नियरेस्ट नंबर। अब देखिए आगे क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन है। देखिए डिविजिबिलिटी रूल आप सबको पता है कि कोई संख्या 2 से कब डिवाइड होगी, 3 से कब, 4 से कब, 5 से कब, 6 से कब, 7 से कब, 8 से कब, 9 से कब, 10 से कब और 11 से कब, ये सब आपको पता है। तो मैं उसके 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख लीजिएगा बुक्स में, क्योंकि 2, 3, 4 के काफी इजी क्वेश्चन होते हैं और वो एक्चुअली आते भी नहीं है एग्जाम वगैरह में, 9, 11 के आते हैं, तो वो एक बार देख लीजिएगा, डिविजिबिलिटी रूल काफी आसान होता है, हर किताब में आपको मिल जाए। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि देखिए मैं आपको करवाता हूँ डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन की, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एडिड टू 4 1 1 1 6 सो दैट इट गेट्स कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8। बोलता है कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो एक तो मैंने बताया था आपको पीछे तरीका ही, वो ही ट्राई करते हैं, पहले तो देखिए हाँ इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से 5 में गया 40, ये 1, ये 8 से गया 8, ये 2, ये 16, 8 से 48,
एक आएगा, ये गलती हो गई, एक आएगा यहाँ पर, तीन आएगा और आपका ये तीन आएगा, चार आएगा आठ से 24 पे जाएगा, और ये आपका बचेगा यहाँ सात, और फिर ये 8 से 9 पे जाएगा 72, और 4 मिनट, ये ऐसे होगा। तो देखिए क्या पूछता है, स्मॉलेस्ट नंबर एडिट टू, देखो एडिट की पूछ रहा है, तो देखो सबट्रैक्शन 4, एड भी 4, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 4 है, तो क्या ऐड करेंगे, 4 अपना आंसर हो जाएगा। पिछली बार जो करवाया था सेम, एक तो ये तरीका है। एक और तरीका, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है कि 8 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है, कोई नंबर को अगर 8 से डिवाइड करना है तो उसके आखिर के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर किसी पूरे बड़े नंबर के आखिर के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो इसके आखिर के 3 डिजिट उठा लीजिए, सेम 8 से किया, 3 आएगा यहाँ, और 8 से किया 4 पे 32, तो सेम ऐसे 4 सब्ट्रैक्ट करना है और 4 ही ऐड करना है। तो क्या पूछता है, एडिट 4 आंसर हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, और डिविजिबिलिटी रूल है तो आप इसको थोड़ा छोटा करने के लिए आखिर के 3 डिजिट भी उठा सकते हैं। और एक आखिरी टाइप है मिसलेनियस क्वेश्चंस में, कि कोई नंबर है आप कैसे पता लगाओगे कि प्राइम है या कंपोजिट है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली एसएससी में आते तो नहीं है, लेकिन जैसे कई बार आ जाते हैं, 4 ऑप्शंस में कि फाइंड द कंपोजिट नंबर। तो देखिए इस तरह के छोटे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको 4 नंबर देता हूँ, 161, 221, 437 एंड 373। 4 डिजिट है, आपको पता लगाना है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा, यानी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी, और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कौन सी। तो पता लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, देखिए सबसे पहले हम 161 कर लेते हैं। एक ऐसा नंबर लेंगे आप, एक ऐसा नंबर जो इससे बड़ा हो और किसी का स्क्वायर हो, तो 161 से बड़ा आपको मिल जाएगा 169, ये 13 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, इससे एक बड़ी संख्या ढूंढिए जो किसी का स्क्वायर हो, किसी का वर्ग हो। तो 161 से बड़ा आपको पता है 169 हो, तो 13 का वर्ग होता है। तो 13 से छोटी जितने भी अभाज्य संख्या है उनसे भाग करके देखिए, अगर उनमें से किसी से भाग होती है तो ये संख्या भाज्य है, अन्यथा ये अभाज्य। तो आपका बच गया 13, 13 से छोटी 11, 11 से छोटी 7, 5, 3 और 2। भाग करना शुरू करते हैं, देखिए 13 से करके देखते हैं इसको, 13 से करेंगे तो ये 13 से 3, 13 से ये नहीं जाएगा, यानी कैंसिल, 13 से नहीं जाएगा। अब 11 से चेक करके देखते हैं, 11 से चेक करेंगे तो 11 से 11 पे जाएगा 5, ये 11 से नहीं जाएगा, तो 11 से नहीं गया। आप चेक करते हैं 7 से, 7 से गया 14, ये आपका 2 पूरा पूरा गया, ये 7 से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब ये नंबर अभाज्य नहीं है, ये नंबर भाज्य है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। अगला देखते हैं 221 से, क्या करना है आपको, कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इससे बड़ी हो और किसी ना किसी का स्क्वायर हो, किसी का वर्ग हो। आपको इससे बात आपको दिख रहा है 225 है और ये 15 का स्क्वायर है। तो एक तो आपको 15 मिल गया, एक आपको 13 मिल गया, और एक आपको मिल गया 11, फिर आपको 7, फिर आपको 5 और फिर आपको 3 और आपको 2। 15 को तो भूल जाइए क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है 15 के लिए, तो सीधी बात है। 13 से भाग करके देखेंगे इसको, 13 से करेंगे ये पूरा पूरा गया, ये 13 से ये पूरा पूरा भाग चला गया। इसका मतलब ये नंबर भी किसी ना किसी से भाग होगा, ये नंबर भी कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। अगला देखते हैं 437, इसी तरह सेम आपको दिख रहा है 441 एक ऐसा नंबर है जो 21 का स्क्वायर है और 437 से बड़ा है। तो 21 से छोटा आपको 19 मिलेगा, आपको 17 मिलेगा, आपको 13 मिलेगा, आपको 11 मिलेगा, देन 7, देन 5, देन 3 एंड देन 2। अब देखिए 19 से भाग करके देखिए इसको, 2 पे गया 38, आपको 5 मिला और 3 पे गया 57, पूरा पूरा भाग गया। इसका मतलब ये नंबर भी भाज्य है, अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है, किसी ना किसी से भाग होता है। सेम ऐसे ही 373 के बाद आपको पता है 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर होता है। तो आप इसे छोटे लेंगे तो 19 आपको मिलेगा, 17 आपको मिलेगा, देन आपको 13 मिलेगा, 11 मिलेगा, 7 मिलेगा, 5 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2। अब देख 19 से भाग करके देखते हैं इसको, 373 को 19 से करेंगे, ये 19 पे एक 18 और ये नहीं जाएगा क्योंकि 19 को 9 से करेंगे तो आपको 171 मिलेगा, ये नहीं जाएगा, यानी 19 आपका कट चुका है। अब आप 17 से भाग करके देखते हैं इसको, सेम ऐसे ही सबसे ट्राई करेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कोई नंबर कंपोजिट है या प्राइम। 17 से 2 पे करेंगे 34, या आपको 3 मिला, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा। इसका मतलब 19 से भी नहीं गया, 17 से भी नहीं गया, तो 17 भी आपका कट गया। आप 13 से ट्राई करते हैं, आपको 11 रिमाइंडर और 13 ये 8 पे जाएगा 104 पे, ये भी नहीं गया, 9 रिमाइंडर बच गया, यानी 13 भी आपका कट चुका है। 11 से करेंगे
11 से करेंगे 3 पे 33 पे जाएगा और ये 4 बचेगा, ये भी नहीं जाएगा क्योंकि 43 बच गया, क्योंकि ये 3 पे करेंगे 33 तो आपका 10 रिमाइंडर आएगा, ये भी आपका नहीं जाएगा, 11 भी आपका कट गया। 7 से करते हैं 5 पे जाएगा, 7 पे 3 पे 21, ये इससे भी नहीं गया, 7 से 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 बची। 3 से कोई नंबर का भाग होता है जब उसके नंबर डिजिट्स का जो सम है वो 3 से भाग हो तो 7 और 3 10 और 3 13, ये भी नहीं जाएगा। 2 से कोई नंबर का भाग होता है जब वो इवन होता है तो ये भी नहीं जाएगा, यानी ये एक ऐसा नंबर है जो किसी से भाग नहीं होगा, एक अभाज्य संख्या है, यानी ये एक प्राइम नंबर। तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं, क्या करना है आपको, कोई नंबर आपको दिया है और चेक करना है प्राइम है कंपोजिट है, तो उससे एक ऐसी बड़ी संख्या ढूंढिए जो किसी ना किसी का स्क्वायर, और उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर उनसे डिवाइड करके देखिए। तो ये था आपका नंबर सिस्टम का आखिरी वीडियो, इसमें आप बुक से क्वेश्चन उठाइए करिए, और अगर कोई क्वेश्चन बच भी गया है तो एक्चुअली होता क्या, वो आगे की चैप्टर्स में आ जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चन को करिए, किसी भी बुक से नहीं आता तो आप हमें मैसेज करिए, हम आपको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।